ट्रेजर हंट गरीब की किस्मत। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम था भिक्षापति। वो उस गांव के म्युनिसिपल ऑफिस में कचरे उठाने वाले वैन ड्राइवर के तौर पर काम करता था। रोज घर घर जाकर कचरा उठाता था। उसे लाकर गांव के बाहर डंप यार्ड में डाल देता था, फिर उसे जला देता था। उस ऑफिस का ऑफिसर था गुरुनाथ। वो अपने नीचे काम करने वाले लोगों के प्रति बहुत नीचे तरीके से पेश आता था, हमेशा उनका अपमान करते रहता था। वो हमेशा भिक्षापति को डांटकर उसका अपमान करते रहता था। एक बार एक शादी का ब्रोकर भिक्षापति के घर आकर, भिक्षापति, तुम्हारे बेटी के लिए बहुत मुश्किल से एक बहुत अच्छा शादी का रिश्ता लेकर आया हूँ, इस बार किसी भी तरह ये अवकाश मत गवाना। ये लोग दहेज नहीं मांग रहे हैं, बस ये कह रहे हैं कि शादी बड़ी धूमधाम से हो, उतना काफी है, अब तुम ही सोचो इस बारे में। कहकर चले गया। बेटी की उम्र बढ़ती जा रही है जी, ये रिश्ता मत गवाना। लेकिन शादी करे उतने पैसे हमारे पास कहाँ से आएंगे जी, आपको ही किसी तरह वो पैसे कमाने होंगे, बस अब इस बारे में और कुछ मत सोचो। क्या बोल रही हो तुम, पैसे कहाँ से लाऊं मैं, अब नौकरी छेड़कर किसी खजाने के पीछे लग जाऊं क्या? हे भगवान, मैं अब क्या करूं, मुझे पैसे कैसे मिलेंगे, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? यूं सोचा तुरंत ऑफिस आए गुरुनाथ से, सर मेरी बेटी के लिए अच्छा शादी का रिश्ता मिला है सर, लेकिन शादी के खर्च के लिए पैसे नहीं है, कृपा करके मुझे कुछ उधार दे दीजिए और मदद कीजिए सर, वरना सरकार से अर्जी करके कोई एप्लीकेशन डालकर कम से कम मुझे लोन तो दिलवा दीजिए श्रीमान। ए, क्या रे, मैं तुम्हें उधारी दूं? क्या देखकर दूर है उधारी, तुम्हें जो तनख्वाह मिलती है मैं ही नहीं, सरकार नहीं, कोई भी एक रुपया तक नहीं देगा, जाओ जाओ। कहकर उसका अपमान किया। इससे भिक्षापति बहुत दुखी हुआ। एक दिन वो हमेशा की तरह घर घर से कचरा उठाकर डंप यार्ड आया, वहां कचरा डालकर उसे आग लगाया। सब जल गया लेकिन एक चीज नहीं जली। भिक्षापति ने देखा कि वो क्या है, तो वो एक सोने का सूटकेस था। उसके अंदर खूब सारा सोना था। वो देखकर वो दंग रह गया। क्या, ये तो सोने की पेटी है, ये यहाँ कैसे आया, कहीं कोई गलती से इसे कचरे में डाल दिए होंगे क्या, पता नहीं ये किसका होगा, उन्हें वापस लौटाना चाहिए। यूं सोचा। इस तरह वो सोने के सूटकेस को लेकर एक घर के पास आया। वहाँ उस घर की मालकिन थी। उसे, माँ ये सूटकेस मुझे कचरे में मिला है, ये कहीं आप गलती से कचरे में डाल दिए क्या? वो बिना कुछ कहे गुस्से से दरवाजा बंद कर दी। इससे भिक्षापति दंग रह गया। इस तरह वो दूसरे घर गया। वहाँ पति पत्नी थे, उन्हें भी वही चीज पूछा। वे दोनों एक दूसरे का मुंह देखकर जोर जोर से हंसने लगे। हाँ अरे वो हमारा ही है, हमने ही डाला है, तुम चाहो तो ले लो, हमें कोई ऐतराज ही नहीं है, क्या कहती हो? हाँ भिक्षापति, वो तुम ही ले लो, हमें बहुत काम है, तुम जाओ। यूँ हंसने लगी। इससे भिक्षापति को कुछ समझ नहीं आया, तो वो सूटकेस लेकर वहाँ से ऑफिस गया। वहाँ गुरुनाथ से, सर ये मुझे डंप यार्ड में मिला है सर, कोई इस सोने की पेटी को कचरे में डाल दिया, लेकिन किसका है नहीं पता, पूछने पर सब अजीब तरीके से बात कर रहे हैं, ये किसका है पता लगाकर उन्हें हाथ वापस पहुंचा दो सर। गुरुनाथ उसे एक मारकर, क्यों रे सुबह सुबह नशे में आए हो क्या, पुराने मटके को लाकर इसे सोने का सूट कैसे कहते हो, पागल कहीं का दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा, जाओ यहाँ से, कहकर उसे डांटा। तब भिक्षापति सूटकेस को देखकर, ये क्या, इससे ये पुराना मटका बोल रहा है क्या, इसीलिए सब वैसे बात कर रहे थे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। यूं सोचा। फिर घर लाकर नीचे रखकर पत्नी से जो हुआ वो बताकर, तुम बोलो ये तुम्हें कैसे दिख रहा है, मटके की तरह या सोने का सूटकेस की तरह?
मुझे तो ये सोने का सूटकेस दिखाई दे रहा है जी, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? और ये तुम्हें कहाँ से मिला? तो फिर मेरे ऑफिसर क्यों ऐसे बोल रहे थे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसे देखकर वो इसे पुराना मटका बोल रहे हैं। बेटा, मैं एक मायावी सूटकेस हूँ। मैं जरूरतमंद गरीब लोगों को ही नजर आकर उनकी मदद करती हूँ। स्वार्थी लोगों को मैं नजर नहीं आती। अब तुम जो मैं सोना दूंगी उससे अपने बेटी की शादी करो, गरीबों की मदद करो। कहते ही उसमें से सोना नीचे गिरने लगा। फिर भिक्षापति अपने बेटी की शादी धूमधाम से किया। गरीबों को भी पैसे दान में देकर वो खुशी से जीने लगा।